हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आफरीन का जहां। तो ये देखिए आज मैंने कितना डिलीशियस और कितना टेस्टी है टिक्का बनाया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये बनते हुए, तो आप अगर इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर पूरा देखिए, आपको बहुत पसंद आना है आने वाला है ये रेस्टोरेंट स्टाइल वाला टिक्का। तो सो फ्रेंड, इसके लिए हम देखिए क्या क्या लेंगे तो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी, तो आप ज़रूर पूरा देखिए। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसके लिए ये ले लिया है कॉर्ड, और ये मैंने एक कपड़े में बांध के इसको इस तरीके से टांग दिया है, और जिसका के पानी भी आपने देखा कितना बहुत सारा पानी निकला है कर्ड में से। तो उसके लिए ये मैंने चिकन लिया है, इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, और मैंने इसमें कहीं बीच बीच में जैसे बड़ी बड़ी बोटियाँ होती है उसमें थोड़ा सा मैंने चीरा भी लगा लिया है। तो ये मैंने जिंजर और गार्लिक पेस्ट लिया है, आपके पास जितना चिकन हो उस हिसाब से आप डाल दीजिएगा, मेरे पास आधे किलो से ज़्यादा है तो मैंने 2 चम्मच लिया है। और ये मैंने नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ये थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी, और फिर उसी के साथ ही मैं इसमें ये धनिया पाउडर ऐड कर दूँगी, तो ये मैंने ऐड कर दिया है। तो उसी के साथ मैंने रेड चिली भी डाल दिया है थोड़ा सा जायके के मुताबिक, और ये हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल भी इसमें डाल देंगे, कुकिंग ऑयल, चाहे आपके पास अगर कुकिंग ऑयल हो तो वो डाल दीजिए। और ये देखिए मैंने दही को जो वो टांग दिया था ये इस तरीके का हो गया है, बिल्कुल सूखा सा, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। और इसी के साथ मैं थोड़ा सा ये लेमन जूस भी ऐड कर दूँगी, और इसमें लेमन जूस डालने से पहले आप इसके बीज भी निकाल दीजिएगा, और इसी के साथ ही फिर हम इसे हाथों की सहायता से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनका जो है मेन जो है प्रोसेस वो मिक्स पे है, तो आप जितना अच्छा मिक्स करेंगे उतना अच्छा इसमें टेस्ट आने वाला है। तो इसी के साथ मेरे पास ये चिकन मसाला है तो एवरेस्ट वाला है, तो मैं उसे भी थोड़ा सा ऐड कर दूंगी, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और तो मैंने इसे ऐड कर दिया है, आपके पास हो तो आप डालें, नहीं तो ये ऑप्शनल है बिल्कुल। तो ये डाल के अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं तो फ्रेंड देखिए, ये मैंने सारा जो है इसको मैरिनेट कर लिया है, अब मैं इसे अच्छे से ढक के से फ्रीज में रख दूंगी ओवरनाइट के लिए। आप चाहे तो इसे 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो इस तरीके का मैंने ढक कर लगा के और इस तरीके का थैली वैली से वो करके मैंने फ्रीज में रख दिया था। तो इसी के साथ ही मैंने ये फ्राई पैन चढ़ा दिया है, गैस ऑन कर दिया है, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। और फ्रेंड ये जो बनता है ना, तो इसे बनाने में ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगता है, और ये देखिए आप कितने अच्छे से ये मैरिनेट हो चुका है हमारा। ये मैंने पूरे रात के लिए रखा था, और अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो आप इसे 2 घंटे भी रख सकते हैं। तो ये मैं इसमें कुकिंग ऑयल डाल दूंगी, और इसमें तेल बहुत कम लगता है तो ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, और क्या कहते हैं इससे हमें ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। तो अगर आप भी ज़्यादा ऑयल खाना पसंद नहीं करते तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा वो नहीं लगता है। तो फ्रेंड देखिए ये हमारा ऑयल गर्म हो गया है, तो इसी के साथ हम ये एक पीस इसमें डाल देंगे, और ऐसे ही करके हम सारे पीसेस डाल देंगे। तो मैं अभी थोड़ा सा ही इसे फ्राई कर रही हूँ, और मैं फिर इसे रख दूँगी, ये मैं थोड़ा सा और शाम में फ्राई करूँगी। तो ये मैंने ज़रा सा ही किया है, तो इसको अब हम बिल्कुल आँच कम कर देंगे डालने के साथ ही, और फिर इसे ढक देंगे, और ढक के हमें तब तक पकाना है जब तक कि हमारा एक तरफ से पूरा अच्छे से कुक नहीं हो जाता है, और एक तरफ से जब हमारा बिल्कुल फ्राई हो जाएगा तो हम इसे फिर पलट लेंगे। तो देखिए मैंने इसका आँच बिल्कुल कम कर दिया है, और ये देखिए इस तरीके से ये पक रहे हैं, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से पके नहीं है, तो मैं इसे अभी टर्न नहीं करूँगी। और जब ये मुझे लगेगा कि ये बिल्कुल पक गया है, इसके ऊपर का कलर थोड़ा चेंज हो जाता है जब ये पक जाता है, तो फिर मैं इसे टर्न करके आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए अभी ये पका नहीं है सही से, तो मैंने ये चेक कर लिया था, तो अब हम इसे फिर से कवर करके पकने देंगे। तो इसका कलर देखिए ये इस तरीके का दिख रहा है। तो अगर फ्रेंड आप भी अगर न्यू स्टाइल में इस तरीके का टिक्का बनाना चाहते हैं तो आप ज़रूर इसे ट्राई करिएगा, ये सच में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है, और आपको यकीन नहीं होगा कि ये सच में आपने बनाया है। और मैं तो बनाती हूँ, तो अरहम को और इनके पापा को तो बहुत पसंद आता है, तो मैं जब भी मुझे मतलब दिल चाहता है तो मैं बना देती हूँ। तो देखिए ये मैंने पलट दिया है, तो ये देखिए इसका कितना खूबसूरत कलर आया है,
और ये बहुत ही इसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई है और पूरा घर मेरा खुशबू से पूरा भर गया है। तो अब देखिए, अगर आपके पास भी अगर कम टाइम हो और अगर आप भी इस तरीके का कुछ बनाना चाहते हैं तो आप ज़रूर बनाइए। तो ये मैंने इसे फिर कवर कर दिया था, फिर मैंने बीच में चेक कर लिया था तो ये दूसरी तरफ से भी पके नहीं है और इनको पकने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब आप मैरिनेट कर देंगे पूरे रात के लिए तो ये बहुत जल्दी पक जाते हैं और बहुत ही आसान सा रेसिपी है। मुझे तो खैर बहुत आसान लगता है क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा झंझट नहीं लगता है और इसमें बस वही मैरिनेट करते टाइम थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बस समझ लीजिए आप, इतना टाइम लगता है कि 5 से 10 मिनट के अंदर ये मैरिनेट भी हो जाता है और बस उसे रख दीजिए फ्रीज में और फिर जब दिल चाहे तब आप इसे फ्राई करिए। तो ये देखिए, ये मैंने इन सबको निकाल लिया है और मैंने इनकी थोड़ी प्लेटिंग भी कर दी है। तो ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। जितना ये खूबसूरत दिख रहा है इससे कई गुना ज़्यादा ये टेस्ट में भी अच्छा होता है। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा फ्रेंड और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और आप तो देखा फ्रेंड आपने कितनी आसान तरीके से, कितना लाजवाब ये टिक्का बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाला घर पर कैसे तैयार हो।